सारी रात सहाबा किराम मुजाहिदीन इस्लाम तैयारियां करते रहे, तलवारें तेज और तीर कमान दुरुस्त करते रहे, लेकिन वासी सारी रात इल्तिजाए करता रहा इलाहुल आलमीन पुरानी आरजू है मेरे हाथों से तेरा नामवर दोस्त मारा गया, अब कोई नामवर दुश्मन भी मेरे हाथों से मरवा दे। सुबह हुई लश्कर मैदान में उतरा, कुछ देर के बाद कोने से आवाज आई फरजंदाने इस्लाम ए मुजाहिदीन इस्लाम मुबारकबाद दो मुझे, मोहम्मद के महबूद ने मेरी आरजू पूरी कर दी। मुसलमानों ने पलट के देखा वहशी मुसैलमा कज़्ज़ाब के सीने पे पांव रखे हुए हैं और सर काट कर नेजे पे उठा रखा है, आंखों में मुसर्रत के आंसू है, लबों पे फातिहाना मुस्कुराहट है। कहने लगा गज़वाए उहद में उहद के सीने पर मेरे हाथों से हमजा शहीद हुए, नबूवत अश्कबार हो गई। अब हश्र में इसी अदा में अल्लाह के महबूब के सामने पेश हूंगा और कहेंगे कहूंगा अल्लाह के रसूल तेरा दोस्त मेरे हाथों से मारा गया था तो तेरा दुश्मन भी मैं ठिकाने लगा के आया हूं। तेरी मसनद नबूवत पर किसी झूठे को बैठना गवारा नहीं किया, हमजा का कातिल मैं हूं तो मुसैलमा का कातिल भी मैं हूं बेहमदुल्ला। और बता देना चाहता हूं आपको, इस्लाम में खत्म नबूवत के जो मुनकरीन हैं मुसलमान भी कहलाए और हुजूर के बाद किसी और को नबी तस्लीम जैसे कादियानी है, उनका इलाज इस्लामी असेंबली में गैर मुस्लिम अकलियत करार देना नहीं बल्कि वाजिबुल कत्ल है। वो बिल्कुल वही फैसला होगा उनके उनके लिए जो खिलाफत सिद्दीकी में हुआ, खिलाफत सिद्दीकी में जो फैसला हुआ मुनकरीन खत्म नबूवत के लिए फैसला वही होगा जब भी होगा। कहीं आप ये ना समझे कि हम इसी पर मुतमिन होकर बैठ गए हैं,